यहाँ पे और हिमालयन एंड दिस इज नकीला पास। हेलो, कहाँ जा रहे हो? भाई सरचू सरचू पहुंच गया। We have left from Sarchu and heading towards Pang. Pang पहुंचने में भी मेरे को आज ऐसा लग रहा है कि हम लद्दाख रात में पहुंच पाएंगे। क्या जो कुछ मून जैसा सरफेस कहते हैं, आई एम नॉट श्योर बट शायद से ये वही है। बट ओवर हेयर रोड्स आर गुड। यहाँ पे ये आ गए मेरे साथ के दोनों पीछे। वाह पानी कतई ही नीला है। इतनी रॉयल एनफील्ड इतनी हिमालयन दिखी ना। डोमिनर तो मेरे को सुबह से एक दिन दिखी। ये अरे फाइनल नहीं थंडर बर्ड है तो आई थॉट एवेंजर है मैं यार। चलो कोई तो बजाज वाला दिखा बट नहीं है ये होंडा हाइनेस डोमिनार ये सब तो दिखी नहीं थी। ओए होए होए बहुत पतला रोड हो गया। घाटा लूप स्टार्ट। ओके 21 लूप स्टार्ट। शुक्र है मेरा कैमरा ऑन था अभी नहीं तो मैं ये कैप्चर नहीं कर पाता। भाई दीज गाइज आर नॉट एबल टू लिसन माई हॉर्न। पांग 51 किलोमीटर्स फ्रॉम हेयर। मैं नहीं निकल रहा अभी इनके आगे। फील्स नाइस कि अगर सामने वो है। आई एम कॉन्फिडेंट अबाउट माई सेल्फ बट वाई टेक रिस्क वेन ही इज़ एक्सपीरियंस्ड। वैसे भी यहाँ पे हीरो बन के कुछ मिलने नहीं वाला सजा के। फील्स नाइस। ओके ये वो है बहुत वीडियोस में देखा इसको। आई वॉन्ट थ्रू आउट वाटर बॉटल ओवर एयर बट बहुत देखा है। इसकी एग्जैक्ट कहानी क्या है हर बंदे के मुंह से अलग होती है तो मैं अपना वर्जन नहीं बताऊंगा क्योंकि चार पांच वीडियो देख के आपका भी माइंड में एक डिफरेंट वो बन जाती है। अपन भी रुक रहे हैं या थोड़ा सा फ्लाइट पे रुकना था। Hell of an experience. Aerial view of Ghata Loops. Wow. It was an experience. ये वो वाले भैया जो अभी क्रॉस कर रहे थे अपने को भाई आगे देखो वो बर्फ वाला पहाड़ उसके ऊपर थोड़ा मौसम भाई जल्दी चलते हैं। आई डोंट नो इफ Ghata Loops आर ओवर और नॉट कुछ ऐसे क्योंकि बीच में जहाँ पे लास्ट अपने रिकॉर्डिंग देखी वहीं पे मेरे को पता चला था कि वो Ghata Loops ख़त्म हो गए हैं बाकी पता नहीं। और अभी मौसम बहुत गंदा होता जा रहा लग रहा है पीछे ऊपर क्योंकि काले बादल आ गए एकदम से। अब GoPro को मैंने कभी बारिश में यूज़ नहीं किया अगर बारिश आती है। मैंने कुछ भी वाटरप्रूफ लेयर नहीं पहन रखा अंदर जैकेट के अंदर वो है रेल लाइनर। यार यहाँ पे रोड गंदा हो गया बहुत। ओह शिट 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 पांग इज स्टिल 36 किलोमीटर्स। हवा चली बहुत तेज। कुछ बोर्ड आया तंगलांगला 100 डे 210 बाकी मैं पढ़ नहीं पाया। ये ओ ये तो मेरे दिमाग में नहीं था फिर किला ही है यार। वाह
एडवेंचर एक्सपर्ट्स रॉयल एनफील्ड। ये तो सुबह वाले भाई हैं अपने, ये रॉयल एनफील्ड एक और, ये एक्सपर्ट्स यहाँ पे ओवर हिमालयन, एंड दिस इज नकीला पास। बहुत 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 तेज हवा है। कहाँ से आ रहे हो आप लोग, कहाँ से आ रहे हो आप? अच्छा सही है रास्ता आगे, रास्ता सही है आगे, बेकार सॉरी अच्छा ओए हाँ। अगर आपने वैली जाना है, नहीं तो पैंगोंग से नहीं तो आपका रोड खराब है, बीच में रुकना। अगर कल स्टार्ट करेंगे तब तो ठीक है ना? कल स्टार्ट करेंगे तो ठीक है। चले ठीक है, थैंक यू, बाय बाय, थैंक यू। ओ बेटा जी, एंड वी हैव रीच्ड लाचुंगला। भाई ट्रस्ट मी, लाचुंगला आने का रास्ता बहुत गंदा है, कम से कम पिछले 7-8 किलोमीटर से ऐसा रास्ता चल रहा है और बैंड बज गई है। कंटिन्यू धूप भी नहीं आ रही, उस वजह से हाथ बहुत ठंडे हो रहे हैं। इतना लंबा ऑफ रोड, मिट्टी 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 मिट्टी, कुछ हो गया क्या? चल मिट्टी, ये साला आगे निकल ही जाएगा वैसे अपने से। मेरी बाइक में ऐसा लग रहा है जैसे पीछे वाला टायर स्लिप हो रहा है। इजिप्ट लग रहा है ना भाई, अपन साथ आए हैं, साथ ही आए हैं अपन, तो ये क्यों भूल जाते हो? तुमने तो देखा भी था मेरी बाइक स्किट हो रही थी, फिर तो धीरे हो जाते यार। स्किट हो रही तेरी बाइक, तो ऑफ रोडिंग वाला टायर डलवाया होता यार तूने तो, सही रहता। चल कोई नहीं, साथ चला करो यार, साथ ही है तो टेंशन फ्री है। स्किट हो वैसे फोन कर दिया मतलब दिखाओ इन्हें हमारा भी हाल। ये हमारा छोटू, छोटा सरचू, छोटा सर न्यू नई सरचू। अरे भाई मैं मेरी बाइक खुद बड़ी स्लिप हो रही थी, मेरी तो नहीं हो रही थी यार। पता है क्या, देखो मैं ना खींचने को खींच सकता हूँ, वो खींच भी रही है। नहीं मैं तो बोल ही नहीं रहा भाई तेरे को खींचने के लिए। जब मैं ब्रेकिंग कर रहा हूँ ना तो वो मतलब ब्रेक लगाने में बहुत टाइम लग रहा है। एवरेस्ट पांग अभी मोरे पेन तांग लंगला और ले ये बचे। हाँ हम निकल चुके हैं पांग से, 15,280 फीट, और अब हमारा नेक्स्ट स्टॉप होएगा तांगलांगला। तांगलांगला आएगी 17,000 रुपये है ना इस जगह को, क्या कहते हैं, बट इट लुक्स सो फकिंग ऑसम। Vakaris My beast Whole land Let's go Thursi saas ki kami yahan pe. Is this more planes? मैंने अभी बोला था मैं शूट नहीं करूँगा, बट हर कुछ ऐसा है, सब कुछ ऐसा है कि ड्राइव करके सॉरी रिकॉर्ड करके घर लेके जाने का मन करता है। एंड बट अ डिलाइटफुल दिस रोड इज,
मतलब मैंने बाइक इतनी खींची है ना, इतनी खींची है अब ये लोग पीछे दिख नहीं रहे हैं रोड कंडीशन के हिसाब से। मतलब जो बम्प्स आ रहे हैं वहाँ पे स्लो कर ले रहा था भाई, यहाँ पे सेटल कर ले रहा था। बट दिस रोड मैन, आई नेवर न्यू कि ये मोरप्लेन वाला पैच जो अच्छा रोड है ये इतना लंबा है। वो देखो सामने से मिट्टी कैसे उड़ रही है। वहीं पर रुकेंगे, धूप में रुकेंगे, हाँ थोड़ा सा हाथ गर्म हो जाएगा ना। डेबरिंग, वी हैव रीच डेबरिंग। नहीं रुक रहे यहाँ पे, तुसोकर लेक के लिए राइट एंड इज इट स्ट्रेट फॉर तंगलंगला, ये स्टॉप है। धूप तो आ गया बट कोई नहीं, दोस्त पीछे हैं। तो यहाँ से थोड़ी देर तक मेरे माइक ने आवाज़ तो कुछ रिकॉर्ड करी नहीं। सो व्हेन वी रीच डेबरिंग, तो आगे हमें पता था कि अब बहुत ज़्यादा ठंड होने वाली है और अंधेरा भी बहुत ज़्यादा तेज़ होते जा रहा था। सो हमें ठंड से बचने के लिए हमारे पास एक रेनकोट ही था, क्योंकि ऑलरेडी हम बाकी सारे लेयर्स अंदर लगा चुके थे। सो हमने जल्दी से अपने रेनकोट्स लगाए एंड हैड अ कॉफ़ी एंड देन वी प्रोसीडेड टू तांगलांगला। तो जब तक मैं तांगलांगला पहुंचा तब तक ऑलरेडी काफ़ी अंधेरा हो चुका था, तो ना कोई फ़ोटो वगैरह हो पाई ना कोई वीडियो। एंड सून आफ्टर 5-10 मिनट के ये लोग भी तांगलांगला पहुंच गए थे। सो आफ्टर दैट वी काइंड ऑफ कंटिन्यू टू ले एंड वी टुक अ नेक्स्ट ब्रेक इन रूम से। इट्स 9 o'clock, अभी ले में 64 किलोमीटर्स लेफ्ट है। ये दोनों चेरेकैन सब खाली हैं। एक मैंने अपनी बाइक में अनलोड किया और एक इन दोनों ने आधा डाला अपनी बाइक में। आई टोल्ड दिस गाइस कि अभी चल जाएगी आराम से, बट अनुज को बहुत ज़्यादा डाउट हो रहा था अभी, बल्कि रिजर्व भी नहीं लगा था। बट ठीक है, मेरे को अब जाके थोड़ा सा बॉडी पेन होने लग रहा है। बॉडी पेन भी एज इन पीठ में एक जगह से हो रहा है, अलग से भी एक पॉइंट पे एक जगह जैसे पिंच हो रहा हो, और थोड़ा थोड़ा सा नेक में और थोड़ा थोड़ा सा सर में। अंदर हूँ, ट्रक के आगे निकल जाता हूँ ना। वो ट्रक पीछे जाएगा, बाइक पीछे नहीं हो रही। भाई आगे ना चल जाऊं, ओ व्हाट द फक, थक गया। उपशी का चेक पोस्ट है ये। सर्दी तो नहीं लगा? सर्दी तो नहीं लगा? नहीं सर्दी बिल्कुल नहीं लगा। लोकल है ना, फिर कुछ नहीं है। नहीं हम दिल्ली से। दिल्ली से? हाँ जी। ये रेनकोट लगा लिया ना तो हवा नहीं जाती अंदर। बीच में ऐसी हवा चली कि बाइक क्यों जू जाए। पेट्रोल पंप इज हियर आफ्टर की लॉन्ग। दिस इज द पेट्रोल पंप, आई डोंट रिमेम्बर हाउ मेनी किलोमीटर्स after this petrol pump comes, but yeah this is the one you'll get after diesel 78.